हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल का इज क्वाइट लॉन्ग कि मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी जैसे मैंने बताया था इन रमादान की मैंने अपने रूम का सारा वॉलपेपर उतार दिया था बस मैं बैठे बैठे जोश चढ़ा था और अपनी uh, सारी जो वुड थी वो भी उतार दी थी मुझे जोश चढ़ आया था कि मैं सारा सब कुछ नया पेंट करूँ और सारा कुछ करूँ बिकॉज ऑल द पीपल ना आई लव डी ए वाई मुझे मेरा बस नहीं चल रहा था मैं बस जो थिंक कर लेती हूँ मुझे वो करना होता है आई एम लाइक काइंड ऑफ स्टर्बन परसन बट इट्स गुड के जब आप कुछ थिंक कर लेते हो और फिर आप ऐसे अपना एक गोल बना लेते हो कि मुझे ये अचीव करना है तो वो फिर बहुत ईजी हो जाता है आपने जस्ट लाइक अपनी लाइफ में अगर हमें एक पैटर्न बना लेना तो हमारी लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है कि हमने ये करना है एंड देन दिस टाइम ये करना है ये करना है ये करना है आई डू लाइक दिस मैंने प्लानिंग होती है uh, कई लोग कहते हैं ओ हमें प्लान आउट नहीं करनी चाहिए लाइफ को जस्ट जैसे आता है वैसे कर लो लाइक अलग कोई पता नहीं कल क्या होगा बट मुझे लगता है एज अ सेफ साइड आप करके रखो बाकी तो अला जी की मर्जी होती है कि सारा जो होना जब होना होता है देखा जाता है अच्छा जी गैस पेपर्स मैंने सारा उतार दिया था वॉल्स की हालत बहुत ख़राब हो रही थी और इसलिए हम सारा पहले लगा रहे थे डस्ट शीट्स लगाएंगे उसके बाद सैंड कर देंगे और उसके बाद पेंट कर लेंगे एंड बोर्ड लगा लेंगे इस नॉट अ बिक हैड कोई मुझे बड़ा इजी सा प्रोसेस लग रहा था और इतना मुश्किल भी नहीं होता अच्छा मेरी ट्रेडमिल बहुत हैवी है तो मुझसे नहीं मूव मुझ की जा रही थी मैंने वहीं ऊपर शीट्स डाल दी थी मैंने कहा था जितना हो सके वो कवर अप हो जाए और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी शीट्स डाली थी बिकॉज डस्ट शीट्स जहाँ पर मिडल में लगेंगी बस स्टिल कि जब एयर होती है तो वो डस्ट आ जाती है यहाँ पे एक इंग्लैंड का वेदर ऐसा होता है कोई पता नहीं चलता कब वो बिंडी हो जाता है कब नॉर्थ से साउथ कब इस तरफ से हवाएं यहाँ शुरू हो जाती हैं लाइक like, कभी भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है तो वो डस्ट सारी जितना भी आप केयर करो अंदर आ जाती है सो so गायस अच्छा जैसे मैं बात करी थी पहले ये पेंट करना है सेकेंडली हमें ये हो गया था कि हमारे घर के जितने पाइप्स होते हैं सारा कुछ होता है हमने वो भी न्यू करवा लिए थे बाहर मेरा पैटियो पूरा खुला पड़ा है साइड पे अच्छा मेरा काफ़ी बिग पैटियो सामने तो नज़र आ रहा है साइड पे भी है वो सारा ओपन था सारा उन्होंने डिग किया अंदर से सारे पाइप्स चेंज किए एवरी चेंज किए बस एक शौक होता है जो करने का वो आ, कि मुझे हर चीज़ लाइक बेसिक से पहले ठीक हो ठीक हो ठीक हो एंड आफ्टर दैट मैंने प्लान किया हुआ लाइक दिस ईयर मैंने ये करना है एंड आफ्टर लाइक टू मंथ्स मैंने अपने पूरे घर की हीटिंग ठीक करवानी है इट्स रियली गुड अच्छा यहाँ पे जो इस तरह के मैं पहले बता दूँ कि यहाँ पे इस तरह की ट्रेज मिलती हैं पेंट uh, करने के लिए सात रोलर आते हैं और इसके अंदर ये डिस्पोजेबल पहले नहीं आती थी इस तरह के शीर्ट्स ये अब आना स्टार्ट हो गई हैं और इससे बहुत इजी होता है कि आपको अगेन एंड अगेन ट्रे वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये मुझे अब देख सकते हो कि मैं सारी डस्ट चेस लगा रहे थे सोयल में उनकी हेल्प कर रही थी अच्छा जी तो वो मैं बता रही थी कि पैटियो के अंदर से हमने सारे वोट पाइप चेंज किए थे एंड आई एम सो लकी कि पहले मुझे लग रहा था शायद मैं फर्दर एक्सटेंशन घर की करवाना चाहती हूँ यस आई वॉन्ट आई नो फॉर बेडरूम इज़ वे टू बिग हम मेरे टू किड्स के लिए और मेरा घर काफ़ी गुड है काफ़ी बिग साइज़ का है बट स्टिल मुझे बहुत शौक है कि मैं अपने घर की टॉयलेट की फर्दर एक्सटेंशन करवाऊँ लाइक अ बिग लाइक बहुत अच्छा टॉयलेट करवाऊँ एंड डबल ऊपर ऊपर भी जाऊंगी मे भी सिक्स बेडरूम कर लूँ बट ये मेरे फ्यूचर के प्लान्स हैं सो पहले जब मैंने घर बाई किया था तो आई वाज क्वाइट वरीड के शायद मैं एक्सटेंशन नहीं करवा सकूं ताकि नीचे से पाइप जा रहे होते हैं और उनको मूव करना क्वाइट बिग हेडिक होता है बट जब हमने पूरा पैटिए डिग किया नीचे से पाइप्स निकले सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि वो काफ़ी लाइक like, दूर हैं और मैं ऊपर काफ़ी एक्सटेंशन करवा सकते हैं मेरे बिल्डर्स आए थे उनके साथ हमने डिस्कस किया था वाटर तो कंपनी के साथ भी किया है डिस्कस सो हमारे लिए इतने कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अच्छा जी पहले हमने पूरा घर सेंड किया था उसके बाद वो हमने पेंट करना स्टार्ट किया दिया वॉल सारी पूरी कपड़े के साथ साफ़ करनी पड़ती है वराम बहुत डस्ट हो जाती है और जो मेरे आप देख सकते हैं वो डिलीवरीज आई थी मेरे बिल्डर ने कुछ मंगवाई थी उन्होंने आउटसाइड वर्क करना है और आ, सो so, ये मेरे अच्छा देखिए मैं प्लान्स करती रहती हूँ मुझे बहुत शौक आता कि मैं कुछ प्लान अच्छा वो डिलीवरी करवा रहे थे और बाय चांस ऐसा हुआ है कि मैं आ, घर पे काम करवा रही हूँ मेरे घर के सामने जो लाइक like, टू घर छोड़ के वहाँ पे फैमिली एक्सटेंशन करवा रही है आ, दो और घर हैं वहाँ पे भी घर के काम हो रहे हैं नियरली पूरी रोड पर फोर हाउसेज़ पर काम हो रही है एक्सटेंशनस हो रहे हैं सारा कुछ हो रहा है तो इतनी एयर में डस्ट हो जाती हैं जब एक्सटेंशन कर रहे होते हैं और वो सारा वॉल नॉक करते हैं एवरी थिंग बस स्टिल ऑल द टाइम मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है मुझे होता है कि घर साफ़ सुथरा रहे डस्ट होती है बच्चे हाथ मारते हैं फिर मुंह में डाल देते हैं हाथ सो so, ये आप देख सकते हो पूरा अच्छा मैंने प्योर वाइट किया था और मैंने ड्यूलेक्स ड्यूलेक्स मैं नाम बोल गई हूँ उनका पेंट यूज़ किया था लेकिन बहुत ही रबिश पेंट निकला था जस्ट कंपनी का ब्रांड का नेम होता है लेकिन उनका पेंट बहुत रबिश निकला था आई डट लाइक थ्री कोट के वो वो बहुत प्योर वाइट हो बट स्टिल मुझे वैसी फिनिशिंग नहीं मिल रही थी जैसे मुझे चाहिए थी उसके बाद हम नीचे वुड लगाना स्टार्ट हो गए थे वुड लगाने के लिए पहले नीचे इस तरह की शीट्स होती हैं वो बिछाते हैं बट मैंने कई लोगों के, के टिकटॉक पे देखा है डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे वो क्या करते हैं कैसे वुड लगा देते हैं पहले आपको शीट्स बिछानी होती है उसके ऊपर पैनल्स मिलते हैं वुड के फिर आप वो आप डालते हैं एंड देन ऊपर वुड लगती है और वो लगाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता बस आप आराम आराम से रख सकते हो दिस इज का मेरी मेन रोड है यहाँ पर सारी मेरा पूरा एरिया है मन चले आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि कैसे है। और यहाँ पे देखिए जब चेरी ब्लॉसम होता है ये इतना खूबसूरत रखता है एंड सेकेंडली दिस इज़ बिन कलेक्शन डे है तो आप देखिए कि सब घर वालों ने अपने बिन्स ख़ुद बाहर निकाल के रख देते हैं उनको पता होता है कि लाइक दिस डे को ये वाले बिन कलेक्ट होंगे ये होंगे तो वो रात को ही इवनिंग टाइम में निकाल देते हैं और सुबह गाड़ी आती है तो सारे कलेक्ट कर लेते हैं सो so, जैसे घर बनाना बहुत मुश्किल होता है ना अपना वैसे ही अपना मुल्क बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है और मैं आजकल पाकिस्तान के जो हालात देख रही हूँ सीरियसली गाइस लोगों को लगता है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं उनको इफेक्ट नहीं, नहीं पड़ता हमें भी दुख होता है लाइक like, हमारी कंट्री को क्या हो गया और यहाँ पर आप देखें वेल ये भी मेरी अब कंट्री है मेरी अब कंट्री ये वाली ज़्यादा है बिकॉज मैं यहाँ पर रहती हूँ मेरा घर मेरी फैमिली सब यहीं पर है तो लेकिन स्टिल हमें होता है कि काश पाकिस्तान भी ऐसे साफ़ होता ऐसे ही हमें अच्छा लगता है वहाँ पर जाके लेकिन बहुत दुख होता है जब हम जा ते हैं वहाँ पे या न्यूज़ में उनको देखते हैं यहां पे देखिए कितने इनके खूबसूरत घर हैं कितने इनके बड़े घर होंगे लेकिन इतने साफ अपने गार्डन्स रखते हैं इतना वो सारा कुछ अच्छा करके रखते हैं कि जब हम बढ़ जाते हैं ना तो सीरियसली सीरियसली मेरा दिल खुश हो जाता है अच्छा ये सोहेल के कॉम की तरफ लाइक फाइव माइल मेरे घर से है आ, दूर है तो वहाँ वो हम गए थे उस तरफ तो मैं रास्ते में सारे घर देख रही थी देखिए यहाँ पे भी लोगों के इतने खूबसूरत और बिग हाउसेस होते हैं कि जस्ट ये एक ही घर के डोर हैं और वो आगे से लाइक सारी यहाँ कार्स पार्क होती हैं और उन पीछे उनके घर देखें बट वो ये नहीं कहते कि हम बहुत रिच हैं तो हमने बिन्नी बाय रखना या हमारे कोई नुक तो वो रखेंगे उनकी भी हाउस हेल्प्स होती हैं उनके भी डिफरेंट होते हैं बट स्टिल वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो अपने घर बनाते हैं जब आप अपना घर साफ रखते हो रखोगे अपनी रोड साफ़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री क्लीन होना स्टार्ट हो जाती है आपके बच्चे लर्न करते हैं आई डोंट नो वाई हम अपने किड्स को ये बात नहीं सिखाते मतलब सीरियसली वो कहीं भी चीज़ें उठाकर पहन देते हैं एंड मेरी ये हैबिट पाकिस्तान में भी थी कि मैं अगर कुछ खाती थी तो अपना रैपर उठा के अपने बैग में डाल लेती थी मैं कहती थी मैं घर जा के पिन में डालूंगी इवन मैं स्कूल में हूँ कहीं भी हूँ तो मैं डालती थी और मैं अपने बच्चों को भी यही बात सिखाती हूँ अच्छा जी उसके बाद हम आ गए थे हमें लॉन मूवर चाहिए था मेरा ग्रास बहुत भी बिग हो रहा था <laughs> तेज इस वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा अच्छा जी इसके अलावा डिफरेंट गार्डनिंग के टूल्स भी चाहिए थे ताकि हमें गार्डनिंग करने का बहुत दिल था और अच्छा पहले मैं बी एन क्यू की थी और इसके बाद में होम सेंस आ गई थी मुझे इस तरह के जो स्टैचूज होते हैं आई लव दैम हम घर में रख सकते हैं इट्स नॉट अ बिग इशू और चॉइंस बट मैंने कुछ बाय नहीं किया था ताकि मेरा दिल हो रहा था कि मैं लेटर ऑन बाय करूँगी पहले थोड़ा गार्डन सेट करूँगी इस तरह के बट अस वाले मुझे बोला था कुछ भी बाय कर लो ये स्टैचू मत बाय करना आई जस्ट हेट देम उनको बिल्कुल नहीं पसंद मैंने कहा चलो मैं कुछ और ले लेती हूँ लाइक लाइक इस तरह के आई लाइक दोज रोमन थिंग्स इफेक्ट वाली बट उनको नहीं अच्छी लगती इसके अलावा मुझे पैरासॉल भी चाहिए था अच्छा गाइस ये वाली वुड थी, थी ये देखिए जी मैंने बी एन क्यूस ली थी ये बहुत अच्छी निकली थी मुझे इसका कलर बहुत लाइट सा था कि मुझे अच्छी लगी थी मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं और इसके अलावा वो ग्रीन वाले पैनल्स होते हैं जो इसके साथ लगते हैं अगर आपका कंक्रीट का है तो वो डिफरेंट पैनल्स होते हैं फिर वो फोल्ड टाइप के कुछ पैनल्स थे वो डिफरेंट होते हैं आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको लाइक कौन सी हेल्प चाहिए था कि अक्सर लोगों को नहीं पता होता हम करते रहते हैं काम हमको पता होता है हम तो लाइक एक्सपर्ट हो चुके हैं कि अब कैसे काम करना है सो so गर्इ बस ये सारा ये आप देख चुके हैं अभी हाफ काम चल रहा था हाफ पेंटिंग भी चल रही है अभी सारा कुछ लाइट्स लगा के पूरा एंड पे रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको दिखा दूंगी मेरी सारा ब्लॉग आगे पीछे हो गया बिकॉज uh, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है काम करें सो so, मैंने अब थिंक किया है कि लाइक आई एम गोना टेक वन ईयर ब्रेक शाम थोड़ी सी पड़ी हो जाए नर्सरी जाएगी फिर स्टार्ट करूँगी बिकॉज आप टू परसेंट काम नहीं कर सकते एक को उसको देखना होता है ओवियसली वो बेबी को अमकिला नहीं छोड़ सकती हमें उसको देखना होता है और सेकंड पर्सन काम कर रहा होता है फिर वो थोड़ी देर उसको देखेंगे फिर कुछ देर में काम कर लेती हूँ लाइक like, इस तरह तो फिर हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था अच्छा ये मैंने आपको दिखाया था ये इस तरह के ग्रीन पैनल्स के ऊपर ऐसे ऐसे वुड आप आराम से रखते जाते हैं और उनको फिक्स करते जाते हो तो लग जाती है और हमने फ़र्स्ट टाइम लगाई थी हमने पहले नहीं लगाई लेकिन मैं और सॉइल हम सब कुछ कर लेते हैं लाइक like, हमें अब लगता है कि हम बस एक हाउस बिल्ड करना छोड़ के बाकी सब कुछ इनसाइड के हमें टाइल्स लगाना आती है हमें सारा कुछ काम करना आता है अच्छा लगता है और ये देखे पूरी एंड पे फिनिश होगी थी साइड्स पे गैप देते हैं यहाँ पे बिकॉज वेदर जब चेंज होता है तो ये स्प्रेड होती है तो इसके लिहाज से आपको उस साइड पे गैप देते हैं और फिर इसके ऊपर बीडिंग लगती है वैल well, अभी तो मेरा पूरा रूम रेडी हो चुका है ये मेरा व्लॉग पहले का बना था काफ़ी टाइम हो गया था मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था बट मैंने कहा नहीं आ, मैं आज बैठती हूँ मैं वॉइस ओवर करती हूँ बिकॉज uh, काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई व्लाग अपलोड नहीं किया था बट uh, uh, क्या करें बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है करना सीरियसली अगर स्पेशली uh, जैसे अब मैं हूँ सोइल की जॉब भी होती है वो नाइट शिफ्ट्स कर रहे थे और मैंने लास्ट में जैसे अलार्म बताया था मैं बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में तो मुझे टाइम नहीं मिला अच्छा जी ये देख सकते हैं मेरा पूरा गार्डन जंगल बना स्टार्ट हो गया था लाइक लिटरली एक वो जंगल की तो फॉर्म ले रहा था तो मैंने कहा अब अंदर से जब सारा साफ़ हो गया तो मैंने कहा मैं जल्दी से बाहर करके देखती हूँ ये है जी लॉन मूवर सो जी ये वाला मैं लेके आई थी ये आ, क्वाइट गुड uh, था मेरे गार्डन के साइज़ के लिए अभी मैं सारा उसकी वो भूल गया हमने काफ़ी रीड करके लिया था इसके अलावा हमें पेयर का प्लांट्स लेके आई थी जिसपे फ्लावर्स लग गए मेरा आजकल इस पर छोटे छोटे पेयर्स लग भी चुके हैं और एप्रीकॉड का प्लांट लगा हुआ है इसके अलावा भी छोटे छोटे काफ़ी और टोमेटोज बीन्स एंड क्यूकम्बर्स एंड डिफरेंस टाइप के पे लेके आई थी प्लाट्स सो गार्डनिंग स्टार्ट हो गई है गायज देखूँगी इसके अलावा मैं नेट मेरी स्किन केयर की वीडियो आने वाली है ताकि मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी और मैं इनशाला इनशाला इन ज़रूर बनाऊँगी सो so गाइज ये था आज का व्लॉग अब मैं करती हूँ गार्डनिंग स्टार्ट ताकि मैंने अभी फिर बाहर जाना है ताकि कुछ मैं काम कर का रही थी आई लव गार्डनिंग वेल ये था आज का व्लॉग और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड बाय बैठक